ये कैसे बनता है इस पे? इसमें सब चीज़ बनती है, रोटी नान पिज्जा पराठा पापड़ ब्रेड पनीर सब बनता है। ये देखिए अभी नान डाला है। अच्छा, बना के दिखाओ। मेरे से बना नहीं है, मैंने होटल में नान खाते हो, चिंगम हो जाता और नॉन वेज रबड़ हो जाता। इसमें रबड़ नहीं होगा, नॉन वेज चिंगम नहीं होगा, नॉन वेज भी बनेगा 10 मिनट में। 2 kg चिकन, ये ब्रेड पकौड़ा बना है घर पे, आप बेसन में डिप करके तेल में छोड़ देते हो, इसमें बेसन में डिप करके अंदर रख दो। ये तंदूरी आलू रेडी किए हैं, कच्चे आलू को मसाला लगा के रख दो, 10 से 12 मिनट में रेडी हो जाएगा। टिक्के कबाब पनीर कुछ भी कर सकते हो आप। बताओ, नॉन वेज बन जाएगा? नॉन वेज बन जाएगा जी, इसका नाम ही तंदूर है। चिकन ना बने इसकी इंसल्ट हो जाएगी। 10 मिनट में 2 kg चिकन। ये तंदूरी नान देखिए इसका टेस्ट। इस तरह से आप घर पे जाके नान बनाइए, रोटी बनाइए, पराठा बनाइए, आपका मिनी रेस्टोरेंट आ गया ये। इसमें पनीर टिक्के आलू चाट सब बनेगा विदाउट ऑयल, टिक्के कबाब सब विदाउट ऑयल। ये देखिए रोस्टेड पीनट विदाउट ऑयल। स्वीट कॉर्न कर लो, छल्ली को इस तरह से आप फॉइल में रैप करके रख दोगे, स्वीट कॉर्न रेडी हो जाएगा। पानी में डिप करके छल्ली को फॉइल में रैप करके रख दो, स्वीट कॉर्न रेडी। टिक्के कबाब सब बनेगा बिना तेल के। जो ऑयल को छोड़ के खाना चाहते हैं ये मशीन लेके जाइए और बिना ऑयल के खाना खाइए। ये देखिए पिज्ज़ा इसमें 2 मिनट में होगा। कॉस्ट बताओ इसकी। ये छोटे वाला है एक मॉडल मेरे पास, ये 3790 का है, ये 4290 में है। इसमें रोटियां नान पिज्जे पराठे सब बन जाएंगे विदाउट ऑयल। डिस्काउंट करके है, आफ्टर डिस्काउंट है मैडम, लेटेस्ट मॉडल के साथ है। थोड़ा बहुत डिस्काउंट ज़्यादा करो। डिस्काउंट करके है मैडम जी, मेरा फिक्स ही प्राइस रहता है। आज आप ओवन लेते हो, माइक्रो लेते हो, 10-10, 15-15 हज़ार के, उस पर कुछ बन नहीं पाता है। इसमें सब बन जाता है विदाउट ऑयल, बिना ऑयल के टिक्के कबाब सब बनेंगे बिना तेल के। ये मकेन्स की आप टिक्की वगैरह लाते हो, घर पे फ्राई करते हो, तलते हो, इसके अंदर विदाउट ऑयल हो जाएगा मकेन्स का टिक्की। और इसमें जो भी डालना है आपने कच्चा डालना है, उबाल के कुछ नहीं डालना। जैसे ये ब्रेड पकौड़ा किया ऐसे आप फ्रेंच टोस्ट बनाइए। ब्रेड को बेसन में डिप करके ऐसे ही अंडे फेंट लो, ब्रेड को अंडे में डिप करके रख दो, फ्रेंच टोस्ट रेडी, गार्लिक ब्रेड रेडी, ग्रिल सैंडविच रेडी। नॉन वेज में हम बनाते नहीं इधर, फिर वेजिटेरियन नहीं देखते डर, इसलिए जैसा टेस्ट है जैसे आप घर में बनाते हैं। कितने नंबर देते हैं आप इस मशीन को, तंदूर को? 10 में से 10 में से 8 देती हूँ। दो नंबर कहाँ खा गया? मैं भी बाकी सामान ही ना खाएगा। और ये मशीन ले ली, आपको कोई मशीन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास है। ये बताओ कैसे पता चलेगा ये बन गया? ऐसे इस को ये सिंपल मशीन है, अनपढ़ मशीन है, इसको खोल के ऐसे चेक कर लीजिए। कोई चीज पक गया निकाला, नहीं पका फिर अंदर कर दिया। इसमें कोई नोब नहीं है, कोई स्विच नहीं है, कोई बटन नहीं है। प्लगिंग किया, चालू किया, 2-4 मिनट के लिए गर्म किया, उसके बाद रोटी नान पिज्जा पराठा कुछ भी लगा दिया। जो खाने पीने के शौकीन आदमी है वो इस मशीन को लेके जाइए। ये आपको 3790 में पड़ेगा, ये बड़ा मॉडल है, ये 4290 में पड़ेगा आपको। ये देखिए पिज्जा हो गया 2 मिनट ऑनली। पिज्जा का टेस्ट करती हूँ फिर बताती हूँ। पिज्जा इसमें क्रिस्पी पिज्जा रहेगा। ओवन में जो वेजिटेबल होता है वो ब्लैक हो जाते हैं, इसमें ग्रीन वेजिटेबल रहेगा पिज्जा का, वेजिटेबल ब्लैक नहीं होगा इसमें। ये पिज्जा कितने मिनट में बनाया? 2 मिनट सर, 2 मिनट में। इसका बेस बन गया, पूरा बेस अंदर से क्रंची होगा, बेस क्रिस्पी होगा बेस। बिल कितना का आएगा ये? 2 यूनिट लेगा 1 घंटे में। जैसे माइक्रो ओवन है वैसे ये है, ये 2 kV वाट है। इसमें 2 मिनट में पिज्जा होगा, ओवन में करते हो आधा घंटा लगता है, इसमें 2 मिनट में पिज्जा डन, क्रिस्पी पिज्जा। ये 2 मॉडल घर के लिए, बाकी मेरा सारा होटल के लिए। और मेरा तंदूर है जो पेटन तंदूर है, ISO सर्टिफाइड है। मैं सारा साल तंदूरी बनाते हैं हम होटल के लिए। इसकी क्या गारंटी वारंटी है? इसकी लाइफ टाइम वारंटी होती है, 1 साल की गारंटी है। लाइफ टाइम? यस मैम, मेरे तंदूर की। फिर हम कहाँ आपको ढूंढेंगे, आप तो चले जाओ। मैं ऑल ओवर इंडिया में सर्विस सेंटर है। ये शेफ साहब काहे मुस्कुरा रहे हैं? बोलो क्यों मुस्कुरा रहे हैं? देखा जल जाता है, जल जाता है। मेरा तो समय रोके तो भूले भी तब 5 मिनट। मेरी बात सुनिए मैडम, भूलते नहीं मेरी बात सुनिए। 5 मिनट के बाद मैं भी छोड़ दूंगा ना, तो मेरा भी जल जाएगा ना। वैसे भूलना नहीं है, होना चाहिए जब बन जाए तो स्विच ऑफ हो जाए। इसको रख के भूलना नहीं है, तवे पे आप रोटी डालते हो, रख के भूल जाओगे जल जाएगी। ये बेसिकली भट्टी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बड़ा कीमती समय दिया आपने। ओके सर, थैंक यू।